के मंत्री आवास के पास झोपड़पट्टी में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते कई झुग्गी झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद 24 गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया जा सका। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर आग ने अपना कहर बरपाया है, जिसके चलते कई आशियाने जलकर राख हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि पल भर में इसने 100 से ज्यादा झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गर्मी शुरू हो गई और आग लगने का दौर जारी है। आज लखनऊ के बहुंडी आवाज के पास आग लग गई है। यहाँ पर एक बस्ती है जहाँ पे कुछ गरीब लोग रहते थे। आप देख सकते हैं कि इस बस्ती में जितने लोग रहते थे पूरी बस्ती जल के राख हो गई है और यहाँ पर भयंकर आग 2 घंटे पहले लगी थी। और इस आग में सुनने में ये आ रहा है कि काफी लोग हादसे में घायल हुए, मगर अभी तक प्रशासन आग बुझाने में असफल रहा है। पिछले 2 घंटे से ये आग लगी हुई है। आपको जब तक ये बहुंडी आवाज है जहाँ पर कई नेताओं कई मंत्री रहते हैं, इन मंत्री के रहने के सामने भी यहाँ पर आग लगी है, मगर प्रशासन लगातार फेल हो रहा है आग बुझाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस हादसे में कितने लोग घायल हुए, अंदर कौन कौन लोग फंसे हुए हैं ये देखना अभी बाकी है। मगर सबसे बड़ी सवाल है कि पुलिस लगातार और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। अब तक की 10-11 गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है आग बुझाने के लिए, मगर अब आग पे काबू नहीं पाया गया है। कैमरा मानस के साथ अतीक अहमद, जेके न्यूज, लखनऊ। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले दोनों ओर से सड़क को जाम किया, उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। लखनऊ के SSP और DIG भी पहुंचकर मोर्चा संभाला। ये यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी यहाँ है, उसमें कुछ फर्नीचर वाले भी हैं, इसमें लोग रहते हैं। आज अचानक अभी कुछ देर पहले इसमें आग लगी है। आग का कारण क्या है ये अभी ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं। हो सकता है क्योंकि बिजली का तो कोई कनेक्शन यहाँ नहीं है, हो सकता है कि आग खाना वगैरह बनाने की वजह से किसी से लग गई हो। जिनके आशियानों को आग ने अपनी आगोश में ले लिया है उनका हाल बेहाल है। भैया हम नए जानते, उधर से लगी थी, हम खाना बैठ के खा रहे थे। कितने परिवार यहाँ रहते थे? अरे परिवार हम अकेली थे, परिवार हमारा नहीं। नहीं, आपका नहीं, और किसी हाँ, सब लोग हैं, बस भी पूरी है भाई। ये आग तकरीबन 1.5 घंटे पहले लगी है, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ठीक है। और जब मैं आया 1.5 घंटे पहले, तब से मैं यहाँ कंटिन्यूस लगा हुआ हूँ। आग बुझाने की कोशिश प्रॉपर चलती रही है, तब आग को अभी काबू किया गया। फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट हुई। आग की इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में मातम का माहौल है। उधर जिनके आशियाने इस आग लगी में जलकर खाक हो गई है, उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अब देखना है कि सरकार उनकी मांग पूरी करती है या नहीं। लखनऊ से अतीक अहमद की रिपोर्ट।